नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोंडा जिले से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां 7 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। गोंडा सदर से प्रतीक भूषण, कटरा बाजार से बावन सिंह, करनैलगंज से अजय कुमार सिंह, तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे, गौरा से प्रभात वर्मा, मेहनौन से विनय कुमार द्विवेदी और मनकापुर से रमापति शास्त्री प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि गोंडा से निकलकर सामने आ रही है, जहां भाजपा ने आपको बता दें कि गोंडा में 7 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच जब लिस्ट जारी की जा रही है, जब प्रत्याशियों को टिकट वितरण चल रहा है, तो ऐसे में गोंडा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। गोंडा सदर से प्रतीक भूषण, कटरा बाजार से बावन सिंह, करनैलगंज से अजय कुमार सिंह, तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे, गौरा से प्रभात वर्मा, मेहनौन से विनय कुमार द्विवेदी, मनकापुर से रमापति शास्त्री को टिकट दिया गया है। दर्शकों, उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस चुनावी मौसम में हर किरदार अपने अपने ढंग से जनता को साधने का काम कर रहा है। प्रत्याशी लगातार जनता के साथ संपर्क साधने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में झबरेड़ा से पूर्व विधायक देशराज करणवाल से जनता की सीधी जो उनकी बातचीत चल रही है, इसको जानने और समझने की, टटोलने की कोशिश की है। ऐसे में देशराज करणवाल से बात की हमारे संवाददाता अजीम ने। क्या कुछ कहा है करणवाल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देशराज करणवाल वो शख्सियत जो झबरेड़ा से कमल खिलाने में 2017 में कामयाब रहे, लेकिन किसी कारणवश बीजेपी ने इस बार इनका टिकट काट दिया। उत्तराखंड में कई बीजेपी नेता जो धुरंधर थे, जैसे राजकुमार ठकराल हुए, मुकेश कोहली हुए, उनके भी टिकट काटे गए। देशराज करणवाल से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। विधायक जी, क्या कहेंगे, क्यों टिकट काटा गया? नहीं, मेरा टिकट नहीं काटा गया। टिकट क्योंकि भगवानपुर से मुझे पार्टी चुनाव लड़ाना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया था। फिर मेरी पत्नी को झबरेड़ा से लड़ाना चाह रही थी, रिजाइन भी हुआ उनका, हमने रिजाइन भी कराया। स्वामी जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके उनका रिजाइन कराया। ये दुख है कि मेरी पत्नी का टिकट कटा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने अच्छा समझा होगा। राज्यपाल जी को पार्टी में लाए और उनको टिकट मिला। कांग्रेस की के पास वहाँ पर दो टांगे थी। क्या बीजेपी को बीजेपी के नेताओं पर विश्वास नहीं रहा, जो कांग्रेस के नेताओं को लाकर उनको तुरंत टिकट दिया जा रहा है? झबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस के पास दो टांगे थी। एक टांग क्या नाम है उसका, जाति, जो कभी पार्षद या नगर पंचायत या उसका सदस्य भी नहीं रहा, और एक दो बार चुनाव लड़े राज्यपाल थे। तो दो टांगों को तोड़ दिया हमने, एक टांग तोड़ दी। एक टांग टूट गई तो वो बीजेपी में आ गई। बीजेपी की भी तो, आपकी भी तो टांग तोड़ दी गई। आपकी तो दोनों टांग थे, आपने अपनी धर्मपत्नी के लिए लड़े, उनका रिजाइन कराया, आपको फिर भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। कल आपका दर्द झलक रहा था विधायक जी, आप पहले भी, हमने आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे आप खुलकर बोले पहले भी, आज भी खुलकर बोलिए, दिल में क्या है? जुबा और दिल अलग अलग होता है, लेकिन दिल में क्या है? देखो, संसार में जो मेरे संज्ञान में है, मेरे मकान पर पत्थर का कमल का फूल बना है। 70,000 रुपये लगे थे, पंजाब से मिस्त्री बुलाया था मैंने। पूरी दुनिया देखती है उस पत्थर के कमल को फूल को, क्योंकि लखनऊ अंबाला जो रेल का 2022 चुनाव खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे, क्या कमल का फूल हटेगा वहां से? नहीं हटता। कमल का फूल, पत्थर का कमल का फूल हटता है क्या, इसलिए लगाया है क्या? हाँ, अगर मेरी पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। तो क्या विधायक देशराज अब खेती बाड़ी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नेता बनाया है और मैं नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर मैं नेता बना हूँ। 2017 में कमल जो है झबरेड़ा से कभी कमल नहीं खिला था, आपने खिलाया था, इस पर क्यों नहीं कह रहे कुछ? खिला तो कमल था ना, 2009 में उत्तराखंड की सबसे क्यों टिकट काटा? सबसे कमजोर सीट थी, बताया नहीं क्या? हमने कांग्रेस की दो टांग थी, एक तोड़ दी तो ऑलरेडी कमल खिल गया। दो टांगों में से एक टांग तो तोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मैं स्वागत करता हूँ, स्वागत योग्य है उनका निर्णय। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देशराज करणवाल जी, जो खुलकर कुछ नहीं बोलना चाह रहे अभी। आने वाले वक्त में अपने पत्ते जरूर खोलेंगे। आप देखते रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं मोहम्मद अजीम।
खबर औरैया जिले से है। यहाँ विदुना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रिया शाख ने अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन कर दिया। नामांकन करने पहुंची रिया शाख ने कहा कि विकास लाना है। वहीं रिया शाख ने बताया रोडें ठीक नहीं हैं और मल्टी हॉस्पिटल एवं पॉलिटेक्निक महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं है, उस पर काम करने को लेकर भी कहा गया। वहीं रिया शाख ने कहा अगर पिता व विधायक विनय शाह के अगर ठीक होते तो हमारे साथ होते, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार हमारे साथ है। विकास लाना है क्षेत्र में, महिलाओं के लिए जो योजना है वो उनसे उनको अवगत कराना है, सुरक्षा पे काम करना है। लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बेरोजगारी का मुद्दा एक हावी है, तो उसे आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोरोना को लेके थोड़ी कुछ चीज़ें हैं, हालांकि सरकार पर काम कर रही है और चीज़ें ठीक हो रही है। तो वही उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसी सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। हर प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से जनता को साधने में लगा है। ऐसे में सहसपुर विधानसभा से भरत सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनसे सीधी बात की है हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़। क्या कुछ कहा भरत सिंह ने, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी देहरादून की सहसपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भरत सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सहसपुर की जनता आम आदमी पार्टी और भरत पर क्यों भरोसा करे? देखो, भरत सिंह कोई नेता नहीं है, मैंने और भी बोला है आपको, आम आदमी पार्टी केवल अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल कोटियाल जी पर भरोसा करना चाह रही है और आम आदमी पर भरोसा करना चाह रही है कि जो मूलभूत सुविधाएँ हमारी जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं दे पाई है वो आम आदमी देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आम आदमी पार्टी की केवल जो ईमानदारी के ऊपर है, पूरा काम ईमानदारी के ऊपर है कि हमारा जो काम दिल्ली में हुआ है वो काम उत्तराखंड में पूरे हमारे सहसपुर विधानसभा और हमारे पूरे उत्तराखंड के विधानसभाओं में वो काम होने वाला है। दिल्ली और उत्तराखंड में बदलाव देखते हैं आप, क्योंकि बहुत भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है, ये पर्वतीय क्षेत्र है और दिल्ली एक मैदानी क्षेत्र है, लगता है कि चलेगा यहाँ चलेगा अभी आने वाले टाइम पे 5 तारीख के बाद आप मेरा इंटरव्यू लेना कि कितना जलवा चलने वाला है, क्योंकि पहाड़ और मैदान का क्षेत्र का बात नहीं है, हम दोनों की सीटें भी सेम है और स्थिति भी सेम है, बजट भी सेम है। उसके बाद दिल्ली का बजट दोगुना हो गया है और उत्तराखंड 70 लाख के आज कर्जे में है, 70,000 करोड़ के कर्जे में है। भरत जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ हैं और आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही, कोई चुनौती समझते हैं आप बीजेपी कांग्रेस को? देखो जी, मेरे लिए तो कोई चुनौती नहीं है, मैं तो ना चुनौती समझता हूँ और ना मेरे कोई कार्यकर्ता ना मेरे भाई कोई इस चुनौती को नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं कि हमारे साथ आम आदमी का जो आम आदमी वोट डालता है उसका हमें जन समर्थन मिल रहा है, वो हमारे साथ में है, तो मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अच्छा, जो पूर्व में विधायक रहे उनके कामों से खुश नहीं है, लगता है कि उन्होंने विकास कार्य नहीं किए क्योंकि 2 बार से विधायक रहे? देखो सर, वो तो आपको भी पता है कि काम किए हैं कि नहीं किए हैं, वो तो आप उन्हीं से पूछिएगा। काम को आपको दिखे, आप तो काम वो करते तो जनता बदलाव थोड़ा ही चाहती, काम करते तो बदलाव थोड़ा ही होता। अब दिल्ली में हमने 3 बार सरकार बना दी, काम करे तभी तो बनाइए। अब उत्तराखंड में आप देख लेना अब आने वाले 10 मार्च को क्या रिजल्ट रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी सहसपुर में विजयी होती है और विधानसभा आप पहुँचते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप सहसपुर के लिए? देखो जी, हमारे सबसे पहले जो हमारे पार्टी ने जो हमारी घोषणाएं कर रखी है, पार्टी ने की हुई है, आपकी कोई अपनी कोई घोषणा? मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत ऐसी घोषणा नहीं है, जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन होती है हमने उसी के अंतर्गत चलना है। और सहसपुर विधानसभा के लिए हमारे पास सेलाकुई के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया, नाम का इंडस्ट्रियल एरिया है वो, केवल नाम का, और जगह के इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाके देखिए जरा कि कैसी स्थिति है और हमारे सहसपुर विधानसभा की कैसी स्थिति है। तो हम जो सबसे पहले काम करेंगे, जो हमारे मुद्दे हैं, लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देना, हर महिला का सम्मान नीति का, और कई अनेक योजनाएं हमारी जो हम देने का प्रयास करेंगे। आपकी आम आदमी पार्टी की जो लाइन है, जिन योजनाओं को उन्होंने कहा है पूरा, वही पूरा करेंगे भाई साहब? पहले तो हमने घोषणा पत्र पे आपने लिखी है और लोगों को आप बांट रहे हो, पहले वही तो पूरा करोगे आप? ये कांग्रेस या बीजेपी की तरह आप झूठा बयानबाजी करोगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तभी तो कुछ होता नहीं है ना भाई। जनता को आप जितना वादा दे रहे हो उतना तो करो आप पहले। तो मतलब ये है कि सबसे पहले योजनाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे जो पार्टी? पहले दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पहले दिन से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हर महिला को जो हमारा सम्मान नीति राशि है वो मिलेगी, हमारी कई अनेक एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, सारी चीज़ों पे काम होगा शुरू दिन से।
कोई बिजली वाली कोई छोटी घोषणा नहीं है, यह काम नहीं है। बाकी हमारे सैंसपुर विधानसभा में जितने हमारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सहसपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने कहा यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो सहसपुर की तस्वीर बदल देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बेस के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड में एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ भाजपा है, दोनों लोग हर बार की तरह फाइट में हैं। लेकिन इस बार एक नई एंट्री मारी है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी लगभग जारी कर दी है। तो ऐसे में धर्मपुर विधानसभा से योगेंद्र चौहान इस बार चुनावी मैदान में है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में योगेंद्र चौहान से खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड सुभाष कौर ने। क्या कुछ कहते हैं योगेंद्र चौहान, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो इस बार जनता के बीच जाएंगे। योगेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद योगेंद्र जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में 70 विधानसभा, लगता है कि जनता आम आदमी पार्टी पर धर्मपुर पर भरोसा करेगी? डेफिनेटली करेगी। देखिए, धर्मपुर के अंदर 15 साल से भाजपा के जो विधायक हैं, मैं कहूँगा पहले मैं मेयर रह चुके, 15 साल से वो भी काबिज रहे हैं। जो दिनेश अग्रवाल जी है, 15 साल से वो भी काबिज रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं करा धर्मपुर विधानसभा के अंदर जो युवाओं के रोजगार दिला सके। इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं करा कि जिससे कि जिसका सरोकार सीधा जनता से रहा हो। आप देखिए ना धर्मपुर विधानसभा की कितनी बुरी हालत है। आप जाके देखिएगा कि धर्मपुर विधानसभा की सड़कें बहुत बुरी स्थिति में है, जल भराव की समस्या वहाँ पे बड़ी जर्जर हालत में है। आप देखना चाहोगे ISBT से लेके जो हमारा ये सड़क का चौड़ीकरण का काम होना था, हाईवे बनना था, पिछले 10 साल के अंदर नहीं बन पाया है। कोई इंडस्ट्री एरिया हमारी विधानसभा के अंदर होने के बावजूद भी आज इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है। तो क्या कर रहे हैं इन लोगों ने? कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा है कि जिसका सरोकार युवाओं के रोजगार से रहा हो, जिसका सरोकार जनता के मूलभूत सुविधा से रहा हो। और निश्चित तौर पर ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, इस पर युवाओं की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी ने युवाओं पर भरोसा जताया है। अच्छा, आप ऐसा क्या जाल बिछाएंगे धर्मपुर में कि लोग आप पर भरोसा कर लें? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि BJP भी वादे करती है, कांग्रेस भी वादे करती है, और आम आदमी पार्टी तो वादों में सबसे ऊपर है। लेकिन आप प्रत्याशी हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी जनता के लिए, आपके क्या वादे हैं? देखिए, जो भाजपा और कांग्रेस है, इनकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क पाया है। और हम तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, कर्नल अजय कोटियाल जी के सिपाही हैं। आपने देखा होगा कि जो भी वादे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से किए थे, चाहे वो बिजली की बात रही हो, चाहे वो पानी की बात रही हो, चाहे वो महिलाओं को फ्री यात्रा की बात करी हो, और सबसे जो अहम मुद्दा होता है किसी भी देश के युवाओं के लिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए जो मेन मुद्दा होता है कि वो शिक्षा, आदमी शिक्षित होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर शिक्षा भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। उसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कर्नल अजय कोटियाल जी, लगातार वो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। अपनी फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें लगातार, यूथ फाउंडेशन के माध्यम लगातार उत्तराखंड के युवाओं को, लगभग 15,000 से 20,000 युवाओं को लगातार वो रोजगार दे चुके हैं। और आपने देखा हो कोविड टाइम पे भी उन्होंने मेरी विधानसभा के अंदर एक अस्पताल का भी वो किया था, खोला गया था, जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पे जो है इलाज कर रहे थे, खाना पीना सब कुछ करते हुए। तो क्यों नहीं, जब करण अजय कोटियाल जैसा चेहरा हमारे पास है तो निश्चित तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा करेगी। एक सवाल मेरा ये है, आम आदमी पर भरोसा करेगी आपने कहा, ठीक है, धर्मपुर विधानसभा सीट में BJP से प्रत्याशी विनोद चमोली और कांग्रेस से दिनेश अग्रवाल, चुनौती मानते हैं उन दोनों को आप? देखिए, मैं बुजुर्गों को चुनौती नहीं मानता, युवा हैं, और कभी जब वो युवा रहे होंगे तो वो भी किसी को चुनौती नहीं मानते होंगे। आज मैं ना विनोद चमोली जी को चुनौती मानता हूँ, ना दिनेश अग्रवाल जी को चुनौती मानता हूँ। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ आपको, 10 मार्च के बाद ये दोनों घर बैठेंगे और भाभी जी की सेवा करेंगे, और धर्मपुर की जनता का आशीर्वाद युवाओं के साथ होगा, योगेंद्र चौहान के साथ होगा, आम आदमी पार्टी के साथ होगा। योगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, अगर आप जीत जाते हैं धर्मपुर से, विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता में कौन से काम होंगे धर्मपुर के जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा प्राथमिकता में रहेगा वो युवाओं के रोजगार की बात रहेगी। हम मोहब्बे वाला इंडस्ट्री एरिया हमारी विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, और मैं चाहूँगा कि जो भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर बंद हुई है उन्हें खोला जाए, और वहाँ के जो अपने युवा हैं हमारी विधानसभा के, उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। दूसरा, जो हमारी कारगी के अंदर जो कूड़ा घर इन्होंने बना के दिया, जिससे कि एक बहुत अच्छा तबका, मतलब मैं कहूँगा 20,000 से 25,000 लोग उससे परेशान है, उसे हटाने का मेरा प्रयास रहेगा। सड़कों की मैं व्यवस्था दुरुस्त करना चाहूँगा, और मेन मुद्दा मैं कहूँगा जल भराव का समस्या मेरी विधानसभा के अंदर बहुत है, जिससे लगातार लोगों के घर में पानी घुस जाता है, लोगों के सामान का नुकसान होता है। ये कुछ मुद्दे हैं जो मेरे जहन में हैं, जिन्हें निश्चित तौर पर मैं पूरा करूँगा। और दूसरी चीज़, मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताऊँ, बुद्धा टेम्पल हमारी विधानसभा के अंदर पड़ता है, अपना क्लेमेंट टाउन के अंदर झील हमारे अंदर पड़ती है, और माता शीतला मंदिर मेरी विधानसभा से लगता हुआ पड़ता है। तो कोई भी पर्यटन के जो
स्पोर्ट्स होते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़ हमारी विधानसभा के अंदर नहीं है। मैं चाहूँगा तीन चार चीज़ें हमारे माइंड में हैं कि पर्यटन स्थल के तौर पे भी हम लोग इन सब चीज़ों को डेवलप करें, जिससे कि हमारी विधानसभा में रोजगार भी मिले और हमारी विधानसभा को लोग उत्तराखंड में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में जाने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र चौहान जी, जिन्होंने बताया कि यदि वो जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो धर्मपुर विधानसभा का कायाकल्प करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस्ट के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरे शवाब में है, तो ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम भी जगह जगह निकल रही है और लोगों से बातचीत कर रही है। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची किठौर विधानसभा के मरकापुर गांव में, मरकापुर गांव के लोगों से बातचीत की और साथ ही साथ समझने की कोशिश की कि आखिर क्षेत्र का माहौल क्या है। हालांकि इस विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर सतवीर त्यागी का कब्जा है, लेकिन लोगों ने जो बताया वो भी कम नहीं बल्कि चौंकाने वाला है। लोगों से बातचीत की है हमारी टीम ने, क्या कुछ कहा वहां की जनता ने, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और जनता का इस बार क्या मूड है, इसी को जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची हुई है मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के मारकपुर गांव में। मेरे साथ तमाम यहां के लोग जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मूड है, क्या माहौल है। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है जी। राजू जी, ये बताइए 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल बजा हुआ है, क्या मूड है जनता, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाह रहे हैं? अजी सपोर्ट तो जब करेंगे, पहले वोट तो जब देंगे, किसी को जब हमारी सुविधा होगी कोई, हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ, आज तो कोई हमारे यहाँ तो आता ही नहीं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत रास्ते की है सबसे बड़ी, हमारे रास्ते कच्चे पड़े हैं आज लोग भी, जबकि मेरठ के पास में गाँव है हमारा, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है यहाँ। कोई आज लोग कोई जिला पंचायत विधायक कोई आज लोग हमारे यहाँ आया ही नहीं। तो एक बार रास्तों को जरूर दिखाऊंगा। राजू कहना के रास्ते ठीक नहीं है, तो ये गांव का मुख्य मार्ग है, इसको अगर कहें देशी भाषा में तो दगड़ा कह सकते हैं, क्योंकि रास्ता ये नहीं है, दगड़े हुआ करते थे पहले जमाने में, बारिश पड़ते ही वहां पर कीचड़ उड़ जाती थी, लेकिन ऐसा ही ये दिखाई दे रहा है। जो यहाँ रोड़ा पड़ा है इन लोगों ने खुद से यहाँ पर डलवाया है। आपका क्या नाम है? नरेश कुमार है जी। नरेश जी, क्या माहौल है, क्या मूड है, किस क्या चीज देखते हुए वोट करेंगे आप? बस यही रास्ते वास्ते सही होने चाहिए जी, विकास होना चाहिए, अब जिसने जो विकास अच्छा करेगा उसे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आपने उनसे इस बारे में बताया नहीं बताया? बता जी उन्हें, तो हमें तो करे कौन, जो उन्हें वोट देगा उनका ही काम करेंगे। तो आप लोग क्या वोट नहीं करते हैं जी? आप लोग वोट नहीं करते? करते हैं वोट, कोई कहीं कर रहा कोई कहीं कर रहा, एक जगह तो जाती नहीं सब। सतवीर त्यागी है यहाँ पर विधायक, आप फिर भी इतने वंचित शोषित कैसे रह गए, विकास कार्य क्यों नहीं हुए? मुख्य मार्ग है ये, मैं देख रहा हूँ पीछे से, मैं आ रहा हूँ, गंदा पड़ा है रास्ता, दगड़े हैं, ये कैसे क्या कहेंगे? हाँ क्या कहे जी, बताओ, कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करा है बिल्कुल भी। सतवीर त्यागी जी ने कुछ नहीं करा बिल्कुल भी, मैं मुख्य प्रधान हूँ गाँव का मौजूदा। अच्छा, प्रधान है, इधर आइए जरा आप। प्रधान, क्या नाम है आपका? राज सिंह। राजी, ये बताइए आप प्रधान है, आपने यहाँ इसी योजना में प्रधान बने हैं, तो कुछ आपने अपने स्तर पर काम कराया है? कराया हाँ। क्या क्या करा दिया? मैंने 32 लाख का काम करा दिया। और आपके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से सतवीर त्यागी, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम कराया है? हमारे यहाँ नहीं करा कुछ भी। आए तो आते नहीं आते? आवे है कभी आवे है, जो काम पड़े बुलावे, जो बुलावे तो आवे, नहीं आते ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पर आते हैं? तो आपने कोई बताया नहीं कि गांव के रास्ते खराब हैं, कितनी आबादी है? 100 फेरे बता ली हमने। कितनी आबादी है? हमें 2200 की आबादी है। बावजूद इसके मेरठ के करीब होने के बाद भी ये इलाका ऐसा क्यों है? ऐसा इलाका यूँ ही, कोई विधायक बढ़िया नहीं है और कोई ऐसा कोई प्रमुख बना वो बढ़िया नहीं, जो भी है सब ऐसी ही है। अच्छा, पहले जो विधायक थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने काम नहीं कराया? कैसा कराया? क्या काम कराया उन्होंने? कराया, खड़ंजे भी लगवाए हैं गाँव के और जंगल में भी लगवाए। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आप इस गांव में रहते हैं, लेकिन इस गांव की सड़कों की हालत ख़राब है, अब इस बार जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हम तो यही है जी, रास्ते सही हो जाएं, वोट तो देनी है, और जो है रास्ते सही हो जाएं, सभी पब्लिक को जो है, आम रास्ता सही रहेगा तो कोई सुविधा रहेगी। अब रास्ते में हमारी बुग्गी टूट जाती है, बुग्गी फंस जाती है, तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, बच्चे भी ट्यूशन जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, दिक्कतें होती हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा जी, गाड़ी नहीं आ पाती, गाड़ी भाई उतार दे रास्ते में, बीच में आधा किलोमीटर दूर। सांसद भी आपके हैं और विधायक भी आपके हैं,
फिर ऐसा क्यों है कि ये इलाका रह गया? अजी ऐसा नहीं रह गया, जब अब इलेक्शन आ रहे हैं अब तो सब आ रहे हैं, करा देंगे, बाद में कोई नहीं सुनता, तो ये है बस, अब तो काम निकल गया छुट्टी। अच्छा काम निकल गया छुट्टी, एक बार कहूँगा अपने सहयोगी से इन नालियों को भी दिखा दें, ये नाली जो है अटी हुई है, अगर यहाँ पानी रुक जाए तो शायद सड़क पर आ जाए। हालांकि ये लोगों की परेशानी है, पीड़ा है, यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं है। मैं और लोगों से बात करूँगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी ये बताइए, रास्ते तो आपने बता दिए कि बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य क्या व्यवस्था है? पानी और बिजली की तो अच्छी है। अच्छा हाँ। तो रास्तों की दिक्कत है? हाँ जी रास्तों की दिक्कत है। अच्छा क्या मुद्दे हैं दिमाग में इस बार वोट करने जाएंगे? वोट तो जी भाजपा को ही देनी पड़ेगी, क्या करें, वो तो हमारी मुसीबत वो है। भाजपा को क्यों देनी पड़े, क्या मजबूरी है? मजबूरी यू है जी, देश को बचा रही है और क्या यो मजबूरी है। अच्छा कहाँ बचाया देश को, जरा बताएगा? देश को नहीं बचाया जी, हाँ वो तो कर ही रहे हैं जी, वे सही काम तो। अच्छा जब आपके क्षेत्र में काम नहीं होगा, देश को तो बचा लिया, लेकिन आप यहाँ नर्क जी जिंदगी जियेंगे तो फिर कैसे चलेगा जी? पहले तो इससे भी ज्यादा खराब था स्थिति। अच्छा पहले तो इससे भी ज्यादा खराब थी। आपने विधायक जी से कहा कि हमारे रास्ते बनवाइए, हम वोट करते हैं आपको? अब कोई जाने को हस्ते गाँव से तैयार नहीं, विधायक तो बनवाई देता नहीं, तो जब कोई गया नहीं हस्ते। विधायक तो आते होंगे, भले विधायक आए नहीं, विधायक आता नहीं, आप जाते नहीं? हाँ हम गए नहीं। कैसे काम चलेगा, विधायक आएंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं, रास्ते खराब है, फिर कैसे काम? अच्छा मैं एक बात यहाँ ये बताना चाहूंगा कि भले ही पार्टियां हिंदू मुस्लिम पर चुनाव कर ले, लेकिन जो मुद्दे हैं वो धरातल पर रहते हैं। भले ही भाजपा को वोट पड़े, लेकिन भाजपा को वोट करने वाले लोग भी अपने हक हकूक की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भाजपा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है इसका खामियाजा इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सके। हालांकि कुछ लोग और जुड़े हैं, युवा हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी सनी। सनी हाँ। रहते हो? यही मारकपुर में रहा जी। ये बताओ पढ़ते लिखते हो या मजदूरी करते हो? जी मजदूरी कर रहे, पढ़े लिखे आठवीं है, कौन नौकरी दे रहा? आठवीं पढ़े लिखे हैं, कोल्लू में गांडे लगा रहे। अच्छा गांडे लगा रहे हो, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए क्या दिमाग में है इस बार वोट करेंगे? अब क्या वोट वोट देंगे उस क्या कहे पंजे को, कांग्रेस को? हम ना दे फूल सूल को। सब देख लिया, क्या देख लिया कांग्रेस में? बस सब कुछ देख लिया, जो इस सरकार ने भी कुछ ना दिया और दिया किसी ने भी ना, पर आपका पंजे को देंगे हम तो। गड्ढे में जाएगी वोट पंजे तो, यहाँ तो कांग्रेस का प्रत्याशी ढंग का नहीं है। बस तो ना है ढंग का ना से, अब तो आपका पंजे पे वोट देनी है। अच्छा ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है सपा बसपा भाजपा को देख कर थक गए, इसलिए कह रहे हैं? दो साल जेल काट ली और क्या चाहिए? जेल क्यों काटी? आप उल्टा अपने पे केस लग रहा है इससे। क्यों केस लगा? मर्डर होगा भैया का, उल्टा हमें फांस दिया। किन्ने फांस दिया? गांव को नहीं और क्या, गांव के क्यों फांसेंगे? और किन्ने फांस दिया? एक हाथ का हमारा बाप जेल में है, दो ढाई साल उन्हें हो गए, डेढ़ साल जेल हम काटे। सुनवाई हुई नहीं कहीं? किसी ने भी ना सुना, कोई सी सरकार ने ना सुना, जिंगे को चले होंगे, इधर होगा पीछे पड़ गए, उल्टे हमारी पिटाई हो रही है, उल्टा हमें ही फांस रही है। अच्छा देखिए एक बड़ा आरोप है, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कोई अपराध हुआ हो और उसमें एविडेंस ना मिले, या फिर घर का ही फंस गया, पुलिस ने नहीं सुनी, इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे। हालांकि यहाँ की अगर बात करी जाए तो मैंने पहले भी कहा, भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, लेकिन उनके प्रत्याशियों से, उनके नेताओं से लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि धरातल पर काम नहीं हुए हैं। भले ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रत्याशी या विधायक गिनाते रहे, लेकिन अपने स्तर से उन्होंने कोई खास काम नहीं किए हैं। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ के मार्ग पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।